हाँ जी, तो देखें कैसे झटपट से बन गया हमारा पनीर मटर मसाला, बहुत ही डिलीशियस, बहुत ही मज़े का, वो भी ढाबा स्टाइल। तो रहिएगा मेरे साथ और देखिएगा किस तरह से आज हम बनाते हैं ये बहुत ही डिलीशियस पनीर मटर मसाला, वो भी मेरे स्टाइल से। अगर मेरी वीडियोस आपको अच्छी लगे तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं और इसके साथ ही बेल आइकॉन को दबाने से मेरी हर आने वाली वीडियो आपको आसानी से मिल सकेगी। और अगर मेरी वीडियोस आपको अच्छी लगे तो थम्स अप करें। अस्सलाम वालेकुम, आसिया के किचन में वेलकम। मेरे सब व्यूवर्स को मेरा बहुत ज़्यादा सलाम और उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह ताला के फजलो करम से आप सब ठीक होंगे। तो आज हम बनाएंगे ढाबा स्टाइल पनीर मटर मसाला। तो रहिएगा मेरे साथ और देखिएगा किस तरह से आज हम बनाते हैं ये ज़बरदस्त पनीर मटर मसाला। तो इसके लिए हमने सबसे पहले एक कढ़ाई में, हाँ जी यहाँ पे हमने एक कढ़ाई रखी है और इसमें हमने 1 टीस्पून डाला है ऑयल एंड 1/2 क्यूब बटर डाल ली है, ये बटर की ये डाली है। तो इसमें हम डालेंगे भी मसाले 2 तेज़पत्ता एंड थोड़ी सी काली मिर्च साबुत एंड ज़ीरा 1 टीस्पून एंड ग्रीन इलायची 3 एंड साबुत मिर्चें 4-5 छोटी एंड दालचीनी 4-5 एंड बड़ी इलायची ब्लैक 3। तो ये हम इसमें डालते और अभी हम इसमें डालेंगे 1 अदर ऑनियन, इसको हमने अच्छे से जो है वो चॉप कर लिए, आप बारीक सा काट लें या चॉप कर लें। इसको हम हल्का सा जाइए ऑनियन को भून लेंगे। हाँ जी, थोड़ा सा हमने ऑनियन इसको जो फ्राई हो जाए हल्का सा, तो तब आपने इसमें डालना है 2 टीस्पून अदरक एंड लहसुन की पेस्ट, गार्लिक एंड जिंजर की पेस्ट 2 टीस्पून, इसके साथ हम डालेंगे सब्ज़ मिर्च हरी मिर्चें, उनको हमने जो वो पीस लिया था ब्रीक कर लिया था। इसको हमने अच्छे से जो ज़रा भून लिया है, तो अभी हम इसमें डालेंगे सुरख मिर्च, धनिया पाउडर, हल्दी एंड सॉल्ट, नमक, सुरख मिर्च है 1/2 टीस्पून एंड धनिया पाउडर 1 टीस्पून, हल्दी 1/2 टीस्पून एंड सॉल्ट 1 टीस्पून एंड 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर। तो ये अब हम इसमें डाल देंगे। तो अभी हम इसमें डालेंगे टमाटो पेस्ट,
इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसको भी थोड़ा सा भून लेंगे। हाँ जी देखिए ऑयल वो लग हो गया, मसाला अच्छे से भून गया। तो अभी हम इसमें डालेंगे 2 टीस्पून योगर्ट, 2 टीस्पून मटर के दाने, अभी इसमें हम थोड़ा सा इसको थोड़ा सा भून के 2-3 मिनट, और फिर हम इसमें वो वाटर ऐड कर देंगे ताकि जो मटर है ये इसमें अच्छे से गल जाए। दूसरे मिनट इसको भूनने के बाद मटर को, तो अभी हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा वाटर। फ्लेम जो ये है हम इसको मीडियम पे कर देंगे, हाई से थोड़ी सी कम, मीडियम से थोड़ी ज्यादा। हाँ जी जितनी देर तक ये रेडी होता है इतने में हम पनीर पे, देखिए इसको आपने इस तरह से छोटे छोटे जो क्यूब्स हैं छोटे छोटे पीसेस में इस तरह से लेना है, ज्यादा बड़े बड़े नहीं करने। तो इस पे हम सॉल्ट एंड सुरख मिर्च लगा के इसको जरा अच्छे से लगा लेंगे इस पे। सॉल्ट इसे इस तरह से लगाने से ये जो जरा इसमें जो है वो थोड़ा सा सॉल्टेड और थोड़ा सा स्पाइसी हो जाता है, और सॉल्ट इस तरह से जो है इसमें जज़ब हो जाता है और ये बहुत ही अच्छा इस तरीके से बनता है। तो इसको हम हल्का सा जो ये बटर में थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे, भून लेंगे हल्का सा। हाँ जी तो देखिए वाटर जो है वो ड्राई हो गया है, ऑयल जो है इस तरह से जब ऊपर आ जाए तो ये रेडी है। तो अभी हम जो ये पनीर है इसको हम हल्का सा फ्राई कर लेंगे। हाँ जी तो यहाँ पे हम एक पैन में 1 टीस्पून हल्का सा बस आप ऑयल डालें, और इसमें हम इसको हल्का सा देंगे, हम इसको भून लेंगे फ्राई कर लेंगे। हाँ जी देखिए इसको हमने थोड़ा सा जो है ये हल्के से ऑयल में इसको फ्राई कर लिए, भून लिए, तो अभी हम इसको निकाल लेंगे। हाँ जी तो अभी हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी हरी मिर्ची, सब्ज मिर्च,
तो अभी हम इसमें डालेंगे पनीर, हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी मेथी, कसूरी मेथी, एंड हरा धनिया, बहुत ही जबरदस्त, इसकी इतनी प्यारी खुशबू आ रही है कि इसे और ज़्यादा भूख बढ़ गई है इसको देखते ही। तो चलिए अभी हम जो है वो इसको डिश आउट कर लेंगे। हाँ जी, तो देखें देखें कैसा ज़बरदस्त बना है। हाँ जी, तो देखें कैसा ज़बरदस्त रेडी है हमारा पनीर मटर मसाला, बहुत ही मज़े का ये, बहुत ही डिलीशियस बना है। तो इसको आप फुलके के साथ, नान के साथ या वाइट राइस के साथ आप इसको जो वो सर्व करें, बहुत ही मज़े का लगता है और बहुत ही डिलीशियस बने हैं। तो आई होप कि मेरी ये रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट ज़बरदस्त रेसिपी के साथ। लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना मत भूलिएगा। आसिया का किचन, दुआ में याद रखिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट ज़बरदस्त रेसिपी के साथ। ओके, अल्लाह हाफिज़।